ये बड़ी खबर महाराष्ट्र की आ रही है, जहाँ की 11 लोकसभा सीटों पर आज तीसरे चरण के तहत वोटिंग जारी है। बता दें, शरद पवार ने बारामती के बूथ पर वोटिंग कर दी है। उनकी बेटी सुप्रिया सूने ने भी बारामती पोलिंग बूथ पर वोटिंग की है। 10 साल बाद बारामती में वोट डाल रहे हैं शरद पवार। बता दें, इससे पहले वे मुंबई में वोट करते थे, लेकिन इस बार वो बारामती में बारामती के बूथ पर वोटिंग करने पहुंचे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र, जहां शरद पवार ने आज बारामती के बूथ पर वोटिंग की, लोकतंत्र के महापर्व को उन्होंने मनाया, उन्होंने वोटिंग की। उनकी बेटी सुप्रिया सूले भी उनके साथ थी, दोनों ने बारामती के बूथ पर वोटिंग डाली है। बता दें, ये 10 साल के अंतर के बाद बारामती पर शरद पवार वोट डाल रहे हैं। इससे पहले वो मुंबई में अपने मताधिकार का प्रयोग करते थे, अपना मत डालते थे। और ये सुबह खबर आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी वोट डाल दिया है, अमित शाह ने भी वोट डाल दिया। इसके बाद खबर आ रही है शरद पवार की, उन्होंने बारामती के बूथ पर अपनी वोटिंग कर दी है। उनके साथ उनकी बेटी सुप्रिया सूले भी गई थी। दोनों ने बारामती की पोलिंग बूथ पर वोटिंग की है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां की 11 लोकसभा सीटों पर आज तीसरे चरण के तहत वोटिंग जारी है। बता दें, इससे पहले 2 चरण हो चुके हैं। पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ था, वहीं दूसरा चरण 26 अप्रैल को हुआ था। अब इसके बाद तीसरा चरण आज 7 मई को हो रहा है। जहां महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग जारी है। इस बीच हमारे पास खबर आई है कि शरद पवार ने भी अपना वोट डाल दिया है। शरद पवार बेटी सुप्रिया सूले के साथ बारामती के बूथ पर पहुंचे।